हेलो व्यूवर्स, मैं सिग्मा कंप्यूटेक से एसएम असलम। व्यूवर्स, जब आप अपनी एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं ऑटोकैड की, तो आपको अपने एप्लीकेशन में सबसे ऊपर टॉप पे कुछ आपको सिंपल न्यू फाइल, ओपन, सेव, सेव एज के ऑप्शन जो आपको शो करते हैं व्यूवर्स, तो ये ऑप्शन आपके आते हैं यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो आपको ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है एरो का, इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है व्यूवर्स। यहाँ पे आपके सामने न्यू, ओपन, सेव, सेव एज जो ऑप्शन आपके दिखे व्यूवर्स यहाँ पे सिलेक्ट है, वही सारे ऑप्शन देखिए आपको यहाँ पे आपके प्रॉपर सिलेक्टेड फॉर्म में है। यहाँ पे हम जिस भी ऑप्शन को अगर हटाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ से हमने अपना रिमूव करना चाहा ऑप्शन अपना सेव टू वेब एंड मोबाइल ऑप्शन, तो हमने अनटिक किया, तो व्यूवर्स देखिए यहाँ से वो आपका ऑप्शन आपका अनटिक हो गया। ओके, फिर हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये ऑप्शन आपका देखिए व्यूवर्स यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग सेलेक्ट करते अपना वर्क स्पेस में अपना कहीं पे भी अपना सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे हमने अपना यहाँ पे देखे व्यूवर्स अपने, मैं सारे ऑप्शन यहाँ से भी अभी मैं अनटिक कर लेता हूँ वन बाई वन। तो व्यूवर्स देखिए यहाँ पे सिर्फ एकदम लास्ट में आपके पास बचा सिर्फ एप्लीकेशन ऑटोकैड का एप्लीकेशन। ओके, लेकिन यहाँ पे फिर आपको जो ऑप्शन शो कर रहा है क्विक एक्सेस टूल बार का, इस पर हमने क्लिक किया माउस के लेफ्ट बटन से, यहाँ पे हमने न्यू को सिलेक्ट किया और देखिए इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको आप देखिए। ओके व्यूअर्स, यहाँ वर्क स्पेस ऑप्शन जो आपका जो ये शो करता है, यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन आपके शो करते हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिस और 3D मॉडलिंग। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में आपके सामने ये आपके टूल रहते हैं 2D ड्राइंग्स के, और 3D बेसिस में सिलेक्ट करने पे व्यूअर्स इस तरह से हमारा वर्क स्पेस में जो टूल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे 3D के आ जाते हैं और 3D मॉडलिंग में इस तरह से व्यूवर्स यहाँ पे 2D और 3D दोनों के कॉम्बिनेशन के जो टूल होते हैं वो हमारे सेट हो जाते हैं व्यूवर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यूवर्स कि हमारी कमांड सिर्फ इन्हीं टूल से आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम अपने ऑटोकैड एप्लीकेशन में जो भी अपनी कमांड कीबोर्ड से टाइप करते हैं, चाहे आप किसी भी वर्क स्पेस पे हों, तो आपका वर्क कम्प्लीट होता है। ओके व्यूवर्स, तो अभी हमने यहाँ पे अपना ड्राफ्ट एनोटेशन अपना कर लिया वर्क स्पेस में सेटिंग। व्यूवर्स ये जो आपका ऑप्शन शो कर रहा है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये आपका बॉटम में स्टेटस बार में देखिए व्यूवर्स यहाँ पे भी आपका शो कर रहा है वर्क स्पेस स्विचिंग करके। इसके एरो पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे भी आपका देखिए व्यूवर्स ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D बेसिस, 3D मॉडलिंग आपका ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, तो ये ऑप्शन हम अपना यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं बॉटम में स्टेटस बार से, और टॉप में अपना क्विक एक्सेस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के बगल में आपका ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ से भी अपना हम ऑप्शन अपना ले सकते हैं व्यूवर्स। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पे आपको जो ऑप्शन शो कर रहा है प्लस टूल के बगल में पैनल बटन, इसको इसमें हमने इस पर लिखा हुआ है आपका ऑप्शन जो लेफ्ट साइड का एरो है उस पर लिखा है मिनिमाइज टू पैनल बटन, इसको हमने सेलेक्ट किया। तो देखिए एक स्टेप आपका ऑप्शन आपका मिनिमाइज हो गया, इसमें आप ड्रॉ पे पर्टिकुलर देखिए क्लिक करें तो उसमें ड्रॉ से रिलेटिंग आपके टूल शो कर रहे हैं, लाइन टूल, पॉली लाइन, सर्किल, मॉडिफाइनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपके वर्क स्पेस में थोड़ी सी जगह कम हुई आपकी, फिर इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके वर्क स्पेस में आपका ऑप्शन पूरा क्लियर हो गया जो आपको अल्फाबेट वर्ड्स में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर, ब्लॉक। ओके, इसलिए हमने इस पर फिर से दोबारा क्लिक किया
तो देखिए वो भी ऑप्शन आपका एकदम क्लियर वहाँ से हट गया। व्यूवर्स, वही ऑप्शन आपको जब वापस चाहिए होता है तो उसी एरो पे हम दोबारा क्लिक करते हैं माउस के लेफ्ट बटन से, तो व्यूवर्स इस तरह से आपके ऑप्शन वो पूरे शो कर जाते हैं। व्यूवर्स यहाँ पे आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में एक ऑप्शन रहता है शो मेनू बार, इसको हमने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे आपको व्यूवर्स देखिए फाइल, एडिट, व्यू, सारे ऑप्शन जो हमारे होते हैं वो हमें इनके थ्रू भी अपना वर्क अपना कंप्लीट हम कैड में कर सकते हैं। तो जनरली हमारे जब एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल होती है तो ये ऑप्शन आपका नहीं रहता, ये आपका हाइड पोजीशन पे रहता है, तो जिसको हम लोग अपना वर्क स्पेस में यहाँ पे शो मेनू बार वाले ऑप्शन से सिलेक्ट करते तभी आप आता है, और जब इसको हमें आपको जरूरत नहीं होती है तो इसको हम हाइड मेनू बार में अपना कर लेते हैं ऑप्शन। ओके व्यूअर्स, और ये जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार का जो पोजीशन है इसको भी हम लोग अपना रिबन, जो आपका ये जो रिबन टैब है इसके ऊपर नीचे हम लोग करते हैं, इसमें ऑप्शन आपका शो कर रहा शो रिबन, शो बिलो द रिबन, तो रिबन के नीचे आपकी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार वाली आ गई। फिर हमने इस पर क्लिक किया और इस पर देखिए ऑप्शन शो कर रहा शो अबव द रिबन, इस पर हमने सेलेक्ट किया तो आपका वो नॉर्मल हो गया। व्यूअर्स आपको अपने वर्क स्पेस में एक्सप्रेस टूल के राइट साइड यहाँ पे दो एरो आपको शो कर रहे हैं, ठीक है, जो जिनका नेम है मिनिमाइज टू पैनल बटन, इसके राइट साइड वाले एरो पे हमने सेलेक्ट किया और फर्स्ट ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया मिनिमाइज टू टैब। तो देखिए व्यूअर्स इस तरह से आपका ऑप्शन वहाँ पे हो गया। फिर हमने सेलेक्ट किया मिनिमाइज टू पैनल टाइल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इस तरह शो कर रहा है। फिर हमने सेलेक्ट किया मिनिमाइज टू पैनल बटन। ओके व्यूअर्स, ओके